हेलो एंड वेलकम यू ऑल, मैं हूं धनंजय। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। 15 फरवरी को 5 जजेस का एक बेंच इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को कंप्लीट तरीके से स्क्रैप कर देते हैं और साथ में कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और अपने 232 पेजेस का जजमेंट सुनाते हैं कि क्यों इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को स्क्रैप किया जा रहा है, यानी कि खत्म किया जा रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को जब सरकार ने 2018 में इंट्रोड्यूस किया था तो ये कहा गया था कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज को जो फंडिंग मिलता है इस स्कीम के आने के बाद, वो फंडिंग का जो प्रोसेस है वो काफी ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। लेकिन जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आया तो ट्रांसपेरेंसी तो छोड़िए, इसमें बहुत सारे ऐसे जो इसमें नियम बनाए गए थे वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज के फेवर में ही बनाए गए थे। और भी ऐसे इसमें बहुत सारे चीज थे जिसको कि देख के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको स्क्रैप कर दिया। आज हम इसी के बारे में जानेंगे, मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और अगर आपके पास कोई सजेशन, कोई सुझाव है तो वो भी आप मुझे ईमेल करके बता सकते हैं। ये 16 फरवरी का आर्टिकल है जहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम वो कंप्लीट तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 है। अब नॉर्मली क्या होता है कि भारत एक बहुत ही बड़ा देश है जहां पे अगर नियम कानून सख्त ना हो तो इस देश को चला पाना बहुत ही मुश्किल है। लोग अपने अपने हिसाब से पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करते हैं, फंड देते हैं, लेकिन समय के साथ भारत में चुनाव लड़ना या पॉलिटिकल पार्टीज को अपने आप को मेंटेन रखना ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है और हम कह सकते हैं कि ये एक बिजनेस के तौर पे उभरा है। इसी को देखते हुए 2018 में जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लेके आते हैं और उनका दावा रहता है कि इस स्कीम के आने के बाद पॉलिटिकल पार्टीज को जो फंड मिलते हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ट्रांसपेरेंसी तो बहुत दूर की बात है। पॉलिटिकल पार्टीज को कौन फंड कर रहा है, जो फंडर है उसका ही नाम कभी भी पब्लिक डोमेन में नहीं आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पॉलिटिकल पार्टी ए को कहीं से अगर 1,000 करोड़ का चंदा मिला तो ये आम जनता को कभी भी ये नहीं मालूम पड़ेगा कि उस पॉलिटिकल पार्टी ए को ये 1,000 करोड़ का चंदा किसने दिया। तो इससे कहीं ना कहीं जो ब्लैक मनी है या जो दावा किया जा रहा था कि ट्रांसपेरेंसी आएगा, ऐसा कहीं भी कुछ भी होता हुआ नहीं दिख रहा था। तो इन्हीं सब कुछ बातों को देखते हुए इनफैक्ट काफी डिटेल तरीके से इसके ऊपर डिस्कशन हुआ था। अगर आप इस जजमेंट को और भी अच्छे तरीके से अगर आप पढ़ना चाहें तो आप जाके पढ़ सकते हैं। लेकिन लमसम कुछ ये था कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि कभी भी आम जनता को ये ना मालूम पड़े कि उनके पास जो पैसे आ रहे हैं वो पैसे कहां से आ रहे हैं। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उसको स्क्रैप कर दिया और कहा कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का या राइट टू इंफॉर्मेशन का वायलेशन है। उसके बाद फरवरी 28 को द इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल छपता है जहां पे ये बताया जाता है कि 15 फरवरी यानी कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को स्क्रैप किया था उसके पहले सरकार 8,350 करोड़ का बॉन्ड को ऑलरेडी वो प्रिंट कर दिए थे। अब हमें एक बात बहुत ही ऑनेस्ट तरीके से जानना समझना है कि हम कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ अपने आप को इतना ज्यादा अटैच ना करें कि वो सरकार क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, क्या बेनिफिशियल है इस देश के लिए, वो समझना ही हमें या वो समझ में आना ही बंद हो जाए। सरकार ने 8,350 बॉन्ड्स को इशू किया था जिसमें कि एक बॉन्ड का जो कीमत था वो 1 करोड़ रुपया था। आप समझ सकते हैं कि कोई भी आदमी या कोई भी मतलब बहुत बड़े ही मतलब कॉर्पोरेट हाउसेस होंगे जो एक बॉन्ड को 1 करोड़ के फेस वैल्यू पे उसको खरीदेंगे। अगर आप सिंपल इसको अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो इतना ज्यादा जीरो हो जाएगा कि एक आदमी शायद उसको ढंग से पढ़ भी ना पाए। क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को 2018 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था तब से लेके अब तक सरकार ने 35,660 करोड़ का बॉन्ड को इशू किया जिसमें कि 33,000 जो बॉन्ड्स थे उसका जो फेस वैल्यू था वो 1 करोड़ रुपया था और कुछ 26,600 जो बॉन्ड्स थे उसका फेस वैल्यू 10 लाख रुपया था। तो आप समझ सकते हैं कि ये दोनों जो फेस वैल्यू है वो किसी भी एक आम जनता के पहुंच के बहुत 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 बाहर है। कहने के लिए हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, लेकिन अगर आप इन सब न्यूज को अगर आप देखेंगे समझेंगे तो आपको एक बात बहुत स्पष्ट और साफ समझ में आ जाएंगी कि किस तरीके से डेमोक्रेसी के नाम पे जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं वो अपने बिजनेस को रन करते हैं। और बकायदा ये इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा दिया गया है एक आरटीआई के रिप्लाई में। और इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कुछ सिलेक्टेड ब्रांचेस को ही ये अथॉरिटी मिला था कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को दे सकते हैं, बेच सकते हैं। अब क्योंकि कोई भी काम को करने में कुछ पैसे खर्च होते हैं
तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को सरकार को प्रिंट करने में कुछ 13.94 करोड़ उनको खर्च हुआ। और अब यहाँ पे एक चीज जो इंटरेस्टिंग जो हमें पता होना चाहिए वो ये है कि अगर मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर फंड कर रहा हूँ तो मुझे कोई जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। सपोज दैट अगर आप कोई भी अगर आप सामान खरीदते हैं मार्केट से तो आपको टैक्स देना पड़ता है, जो भी जिस भी टैक्स स्लैब में वो चीज आता है। लेकिन कोई एक आदमी या कोई एक पॉलिटिकल या कोई एक ऐसा कॉर्पोरेट हाउस जो इतने बड़े बड़े फंडिंग कर रहा है, सरकार उससे जीएसटी कलेक्शन नहीं कर रहे हैं। तो ये सब कुछ बातें हैं ना जो आम जनता को पता होना बहुत ही जरूरी है। और बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रॉपर जो डेटा है उसको मेंटेन नहीं कर रहे हैं, या इनफैक्ट आप इसको इस तरीके से समझिए कि जो आम जनता है उनको ये नहीं पता है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को एग्जैक्टली कितने कितने अमाउंट्स दिए गए थे। और क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को डिजाइन ही इस तरीके से किया गया है कि जो डोनर है उसका नाम कभी भी पब्लिक डोमेन में नहीं आएगा। तो वैसे तो सरकार ये कहती है कि हमें हर चीज को ट्रांसपेरेंट बनाना है, लेकिन जो चीज से उनका बेनिफिट है या होता था उस चीज को कम्प्लीटली पब्लिक के नजर से उसको बहुत ही दूर या उसको छुपा के रखा गया था। क्योंकि बीजेपी पार्टी सत्ता में है इसलिए मोर और लेस जो बेनिफिट है वो बीजेपी को ही मिलने वाली है, और ऐसा दिख भी रहा है। जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इशू किए गए थे उसमें से आधे से ज्यादा जो इशू किए गए थे वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के लिए ही इशू किए गए थे, और ये बकायदे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसके बारे में जानकारी दिए हैं। अब क्योंकि अगर एक बॉन्ड का कीमत या उसका फेस वैल्यू अगर 1 करोड़ रुपया होगा तो ये मानने वाली बात ही है कि जो सिर्फ कॉर्पोरेट हाउसेस है वही इतने बड़े बड़े अमाउंट को अफोर्ड कर सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू इंडियन एक्सप्रेस दिख भी ऐसा ही रहा कि 94% जो डोनर हैं या जो परचेस किए हैं थे इलेक्टोरल बॉन्ड्स को वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट हाउसेस ही थे। तो ये सब चीज या ये सब न्यूज एक आम जनता को जानना या समझना बहुत जरूरी है ताकि क्या सही है क्या गलत है इसके बारे में हम फैसला कर सके, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या पार्टीज को सपोर्ट करने के पहले हमारे पास फैक्ट एंड फिगर रहे। अगर हम उस बेसिस पे अगर हम सपोर्ट करते हैं तभी जाके जो हमारा डेमोक्रेसी, तभी जाके जो हमारा देश है वो सही से फंक्शन करेगा। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।